तो आईवी ने अपना काम शुरू कर दिया। तो यार आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है बैटमैन आर्कम नाइट में। मुझे पता है मैंने एक हफ्ते से वीडियो नहीं डाली है क्योंकि यार मेरे एग्जाम्स आ गए थे और मेरे को बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला वीडियो बनाने का। अभी थोड़ा सा टाइम है, अभी मेरे वाइवाज एक्सपेरिमेंट्स वो सब शुरू हो जाएंगे तो फिर से मुझे टाइम नहीं मिलेगा। तो जितना टाइम मिल रहा है उतने में अपन फटाफट ये स्टोरी कम्प्लीट करते हैं। ये स्टोरी 11 घंटे की है यार, ये सबसे बड़ा गेम है जो मैंने मेरे चैनल पे खेला है, मतलब खेल रहा हूँ अभी। तो इतना बड़ा गेम यार मैंने तो नहीं खेला आज तक, तो देखते हैं कैसे कम्प्लीट कर पाते हैं अपन इसे। अभी तक तो सिर्फ 23% हुआ ये गेम का और अपन ने बहुत सारी चीजें देख ली है। तो पिछले वीडियो में बारबरा मर चुकी थी, बहुत दुख की बात है, उसे खोना नहीं चाहते थे, लेकिन ये स्कैरक्रो बाबू ने हमारे साथ बहुत गेम खेले। उसने बोला वो नहीं मारेगा बारबरा को, लेकिन एंड में उसने मार दिया। तो अभी हम लोग को एक बहुत इंटरेस्टिंग बात पता चली है, जो आयरीन है, जो हॉट गर्ल जिसे मैं बोलता हूँ, वो बंदी को देख लो तुम भी यही बोलोगे, तो वो बंदी को इसके जहर का कोई असर हो ही नहीं रहा है। तो अपन उससे बात करेंगे और उससे पूछेंगे वो क्या राज है जिसकी वजह से ये अनअफेक्टेड रह रही है, उसके पास कोई तो एंटीडोट टाइप चीज होगी जो वो बना के दे ताकि अपन यार पूरे शहर को बचा पाए। तो बहुत सारे काम करने अपन ने, तो यार बिना किसी देरी के लेट्स डू दिस। आइरीन को ढूंढ के अगर अपन ने एंटीडोट बना लिया ना तो यार बहुत लोगों की जान बच जाएगी यहाँ पे। और तुमने देखा मैंने कितना ऊपर लॉन्च किया यहाँ पे, ये मैंने नया अपग्रेड डाला है कि मैं बहुत ज़्यादा बूस्ट ले सकता हूँ अभी जब मैं ग्रैपल करूँगा। अब देखना मैं कितना ऊपर लॉन्च हो जाऊँगा अभी। बूम, अब मज़ा आ रहा है रियल ग्लाइडिंग का। तुम्हारी मोबिलिटी बहुत फास्ट हो गई है अभी। तो अपने को GCPD में जाना है क्योंकि ये बंदी को अपन ने लॉकअप में बंद किया हुआ है और इसी को पता है कि वो एंटीडोट बनाते कैसे हैं, और ये अपने लिए बहुत बड़ा जैकपॉट हो सकता है अभी। तो बैटमोबाइल को ले आते हैं, फिर ये दरवाज़ा खुलता है भाई। बैटमोबाइल एक ऑथोराइज्ड व्हीकल है GCPD के लिए, अपन ऐसे ही अंदर नहीं जा सकते, अपने को बैटमोबाइल लेके ही जानी पड़ती है। आइरीन बेटी बता दे यार मेरे को बहुत लोगों को बचाना है। चलो भाई भग के चल लो अंदर। I need your help. From where I'm standing, you need a miracle. Why didn't the gas affect you? You are scared. You would be too if you knew what Scarecrow's planning. And I should trust you. Why? Because without your help, every plant in this city will die. About that miracle. I created a spore to counter the effects of Crane's toxin. It's easy when you know how, and can manipulate plants on a molecular level. Could it protect the entire city? Theoretically. But there's no way I can produce enough on my own. Then let's get you some backup. Where to? The botanical gardens. They're the oldest plants in Gotham. They'll tell me what we need to do. तो ये बंदी ने एक ऐसा स्पेशल झाड़ बनाया है जो स्कैरक्रो के टॉक्सिन का काउंटर इफेक्ट करता है। तो अब ये लास्ट होप है यार, अपन नहीं बना पा रहे यार उसका, बारबरा के बिना अपन उसका एंटीडोट बना ही नहीं पा रहे। देखते हैं क्या कर सकते हैं। आई होप ये बंदी अपनी हेल्प करे, धोखा ना दे हमें। Cash, the shutter door isn't opening. What's happening? अरे यार इन लोग भी अभी अपग्रेड हो गए। ये आर्कम नाइट अभी पूरा पागल हो चुका है, वो अपना पूरा बेस्ट दे रहा है अपने को मारने के लिए। तो उसने एक बहुत सही वाला टैंक भेजा है बाहर जिसको हमें खत्म करना है। देख लेते पहले वो टैंक है कैसा। और भाई कितने सारे सेंसर्स लगे हैं इस पे। यस, अभी स्कैनिंग प्रोसेस शुरू होता है। इसको अभी राइट साइड स्कैन कर लेते हैं जो कि यहाँ से हो जाना चाहिए फटाक से। The Cobra drone has enough firepower to rip the Batmobile to shreds in just a few shots. And its armor is too thick for my weaponry to penetrate head on. However, there is a weakness. The drone's rear exhaust port leads straight to the power core. One well-placed shot with the Batmobile's 60mm cannon should take it out. समझ गया, वो ड्रोन के पीछे एक एग्जॉस्ट है, उसके ऊपर अपन ने अगर 60mm कैनन का वार कर दिया तो यार
गेम ओवर हो जाना है वो टैंक का, लेकिन हमें उसके पीछे से ही जाना पड़ेगा, क्योंकि अगर उसने हमें आगे से देख लिया ना तो वो बंदा इतना गंदा वाला पेल देगा ना अपने को। अपनी बैटमोबाइल का आर्मर इतना अच्छा नहीं है कि यार उसके शॉट्स डील कर पाए। वो देखो वो पीछे दिख रहा है लाल लाल, अब इसकी अपन पकड़ के मारेंगे। 3 2 1 ईजी, देख रहे हो यार एक शॉट खेला अपन ने, लेकिन वो भी सही पॉइंट पे। ओके तो अभी अपने को बोटानिकल गार्डन्स जाना है ताकि ये बंदी वो अपना झाड़ ढूंढ पाए जिससे अपन स्केयरक्रो का काउंटर टॉक्सिन बना पाए। वाओ ये सही वर्ड था यार, काउंटर टॉक्सिन, थोड़ा प्रोफेशनल लग रहा था। ठीक है इन लोग की बातचीत हो गई हो तो अपन जा पाए। को और एक अपग्रेड आ गया। ओके क्लॉक टावर में जाना है अपन ने, पहले अपन अपग्रेड लेंगे फिर बोटानिकल गार्डन्स में जाएंगे, क्योंकि अपने को पता नहीं है वहाँ पे क्या रुका है अपने लिए। तो सबसे पहले अपग्रेड कर लो फिर जाएंगे। यार ये नया वाला अपग्रेड है शायद, क्योंकि हमेशा एक प्लेन आता है हमारे अपग्रेड के लिए, लेकिन इस बार यार यहाँ पे पूरा सेटअप बना पड़ा है बैटमोबाइल के लिए। भाई साहब यार रिस्पेक्ट बढ़ गई इसके डेवलपर्स के लिए, इतनी सही डिटेल और इतना ऑसम कॉन्सेप्ट बनाया इन्होंने। वाओ ओवरचार्ज्ड वेपन्स एंड इंक्रीजेस ऑफेंसिव कैपेबिलिटी। ओ तो हमारे राउंड्स बढ़ गए, पर शॉट 2 राउंड मिलते थे 60 mm के, अब शायद से 4 मिल रहे हैं। अब जाएंगे अपन बोटानिकल गार्डन्स, जिसका रास्ता मार्क हो चुका है। अपन ये वाला जो रोड पे जो एरो दिखाते हैं ना वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, तो अपन इससे ही फॉलो करेंगे। भगलो भाई भगलो, उन्हें तो और लड़ने आ जाएंगे बंदे, और मेरे में उतनी हिम्मत नहीं कि लड़ूं उनसे बैठ के। अभी 1000 meters पेलना है भाई गाड़ी अभी। मेरे को लग रहा है यहाँ पे बंदे आने वाले। अरे यार ये मोटे वाले कूबर टैंक्स आ गए फिर से। पहला वाला माल मिल गया मेरे को। ये बंदे को बिल्कुल अंदाजा नहीं है ये मरने वाला है। एक गया। अरे ये तीनों सिंक हुए पड़े हैं अभी, मतलब अलर्ट सिस्टम आ गया उन लोगों में, मतलब अगर एक को भी फटका लगा तो दूसरे दोस्त को देखने आ जाएंगे, जो कि अपने लिए बहुत सही चीज़ है, क्योंकि जब तक वो देखने जाएंगे अपन उन्हें पीछे से पेल देंगे। लेकिन यार यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, उन लोग दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं, देख रहे हो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं, तो थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है यहाँ पे। गधे के बच्चे, दोनों गधे के बच्चे मारो और पेल के भाग लो आगे, क्योंकि दूसरा बंदा ज़रूर घूमेगा। तो अभी बस एक बंदे को पेलना और सीधा बोटानिकल गार्डन्स चले जाएंगे अपन। रावो रा, एक नंबर ये भी गया शायद। इन लोगों में साउंड डिटेक्टर नहीं है क्या यार, मैं कितनी आवाज़ करते हुए आ रहा हूँ तो भी देख नहीं रहे पीछे गधे, हमेशा कोई ना कोई डिफेक्ट रखते ही इन लोग। ओके चलो भाई परेशानी ख़त्म, अभी बोटानिकल गार्डन्स चल लेते हैं। हाँ ना भाई, हमेशा बोलता है बैटमैन विल डाई, हमेशा हार जाता है खुद ही। There you go, बोटानिकल गार्डन्स आ चुके अपन। अब यहाँ से सब आइरीन के भरोसे। We're here, Ivy. What now? Look at her. She's been here since before man walked the earth. She still holds great power. But she's weak, poisoned by decades of pollution. She won't be able to fight Scarecrow's toxin on her own. Then we need another. There aren't any left like her. Not anymore. What happened? What do you think? Man, you cut them back, built over them, stopped them from reaching the sun. If I can locate the roots, could you revive them? They're lost, buried beneath this concrete monstrosity. How will you... The bigger the plant, the deeper the root. You wait here. I'll find a way to break them free.
तो ये जो तुम झाड़ पीछे देख रहे हो उसके रूट्स को लोकेट करना है अपन ने, ताकि ईवी इसके रूट्स तक पहुंच पाए और इस प्लांट को फिर से ज़िंदा कर दे। और अगर ये प्लांट ज़िंदा हो गया ना यार, तो शायद कोई तो उम्मीद है कि ये काउंटर टॉक्सिन बन जाए स्केयरक्रो का। और आईवी ने अपना काम शुरू कर दिया है। काइंड ऑफ स्कैरी है यार ये। ओके तो अभी सिर्फ अपने को एक मेथड ढूंढना है कि अपन रूट्स लोकेट करें कैसे, जो कि बैटमैन के लिए थोड़ा इजी होना चाहिए क्योंकि इसका हाई टेक अप्रोच तुम्हें पता ही होगा। इसके पास हर एक सिस्टम है यार, हर एक सिस्टम है इसके पास बनाया हुआ। ओके वेन टावर जाना है अपन ने, और शायद मुझे बैटमोबाइल भी ले जानी है। तो वेन टावर चल लेते हैं, वहां पे हमें ये एंशिएंट ट्रैकिंग सिस्टम मिलेगा रूट्स ट्रैक करने के लिए। अरे सरक ना भाई मेरे, मेरे को पहले यार स्केयरक्रो को खत्म करना है, साइड मिशन गए भाड़ में। तो अपन वेन टावर चल लेते हैं पहले और वो रूट लोकेटिंग सिस्टम उठा लेते हैं वहां से, और पहले ये आईवी का काम खत्म कर देते हैं। चलो भैया पेल के जला लो गाड़ी। यार इसके साइड मिशंस भी बहुत सारे रह गए, मुझे कैट वुमन को भी बचाना है, रिडलर के मिशंस सॉल्व करने। यार ये खोल दे मेरे भाई अल्फ्रेड, लूशियस सॉरी, यहाँ पे लूशियस मदद कर रहा है, कई बार अल्फ्रेड मदद कर देता है। थोड़ा सिंक रखा करो यार, कौन कभी मदद कर रहा है। वेन टावर के अंदर लेट्स गो। अरे यार इन लोग वेन टावर में भी घुस गए, कोई बात नहीं, अपने लिए बच्चे का खेल है। सिर्फ वो बड़े वाले टैंक्स आ गए ना, सभी को पेल दिया विद इन अ मैटर ऑफ मिनट्स। यही है पावर ऑफ बैटमोबाइल। ल्यूशियस भाई अपग्रेड दे दो यार, निकलना है मुझे यहाँ से। ये रहा वो सोनार वेव जनरेटर, जो वेव्स जनरेट करेगा वो तो ग्राउंड के थ्रू जाएगी वेव्स, और अपने को वो रूट्स की लोकेशन बताएगी अपने ऑन बोर्ड कंप्यूटर पे जो बैटमोबाइल के अंदर है। Lucius, we can't risk another incursion. Lock the building down and transfer remote production to Alfred. Consider it done, Mr. हाँ भाई ये बिल्डिंग को लॉक कर, सारे बंदे घुसी जा रहे हैं मेरी बिल्डिंग में। तो अपन ने रूट्स लोकेट करना शुरू कर दिया है, मैं तुम्हें दिखाता हूँ मैंने कैसे किया ये। तो मैं F दबा के रखूँगा तो ये सोनार वेव्स ग्राउंड के अंदर भेजेगा, और तुम मैप पे देख रहे हो वो लाइंस, वो रूट्स है। तो इसका कोर कहाँ पे हमें वो ढूंढना है, और ये बंदों को फाइट करते हुए निकलना है अपन ने, जो कि बहुत बड़ी बात नहीं है। और एक बार लोकेट कर लेते हैं कहाँ पे है, देयर यू गो, अपने को सीधा निकलना है। ओ तो शायद अपन पहुंच गए, और भाई कितनी सारी रूट्स हैं यहाँ पे। और एक बार लोकेट कर लेते हैं ताकि अपने को एग्जैक्टली वो सेंटर पॉइंट मिल जाए जहाँ से ये रूट्स ओरिजिनेट हो रही है, जो कि यहाँ पे है। ओके तो यहाँ पे वो रूट्स, तो लास्ट बार स्कैन कर लेते हैं, देयर यू गो। तो आईवी ने अपना काम शुरू कर दिया। अरे यार ऐसा नहीं चलेगा यार, अभी अभी तो प्लांट उगा है और तुम लोग उसे तोड़ने भी आ गए। मैं थोड़ा एनवायरनमेंट से कैसे प्यार करते हैं वो समझाना पड़ेगा यार बैटी, सॉरी बैट्स। हाँ बहन कर रहा हूँ ठीक सब कुछ, हम बैठे ही है ना तेरी मदद करने के लिए। ग्लाइड किक लेके पेलते जाओ बंदे, अभी मैं है ना बहन, मैं प्रोटेक्ट करूंगा। Let's hope we don't need to find out. Stay in the gardens, Ivy. I'll let you know if the situation changes. Alfred, tell me you've found the cloudburst. I wish I could, sir, but I'm encountering rather a lot of interference. No doubt a deliberate attempt to disguise their movements. Run a full analysis of the Arkham Knight's forces. Of course, sir, but I'll need some time.
Upload the data to the Bat computer in the movie studios when you're ready. Yes, sir. In the meantime, there are numerous open cases yet to be investigated. तो अपने मेन मिशन ऑलमोस्ट खत्म हो चुके हैं. आईवी और अल्फ्रेड को एनालिसिस के लिए थोड़ा टाइम चाहिए, तो अपन थोड़े साइड मिशंस कर लेते हैं. ओह, फिर से एक रेस, और इसकी रेस बहुत इंटरेस्टिंग होती है. तुम देखना, अभी 3 लैप की होगी मेरे हिसाब से. शुरू कर दे भाई, आई एम रेडी. लेट्स गो यार, आई एम रेडी. अपने को यहाँ पे थोड़ा फास्ट रहना पड़ेगा, और मैं अभी आते ही हगने लग गया हूँ यहाँ पे. अरे यार, ओके, ये थोड़ा सा भग ले भाई मेरे. ये बंदा सच में साइको है, कैसे भी ट्रैक्स बना लेता है. भाई साहब, इतना सारा प्रेशर, मेरी बैट मोबाइल का चटनी बन जाएगा यहाँ पे. अभी तक तो बहुत ही सही खेल रहे हैं अपन, लेकिन सेकंड और थर्ड लैप में पता चलेगा हमें सच में आता है खेलने की नहीं. भाई मेरी यहाँ पे लगने वाली है, मैं सच बोल रहा हूँ तुम्हें. ये जो तुम प्रेशर लगा रहे हैं ना, ये ब्लॉक्स यहाँ पे लगने वाली है मेरी. तो फर्स्ट लैप हो चुका है अपना, अब डिफिकल्टी बढ़ जाएगी थोड़ी सी, ज़्यादा नहीं पर थोड़ी सी. भाई तू प्रेशर बढ़ा ले, कुछ नहीं होने वाला मुझे. मेरे को पैटर्न समझ आ गया है. ओके, फाइनल लैप. अभी थोड़ा ध्यान देना है, क्योंकि यहाँ पे वो पूरा ट्राई करेगा कि वो अपने अपने को जीतने ना दे. भाई फाइनल लैप में तोड़ रहा हूँ मैं, समझ रहा है रिडलर, पेला जा रहा है तू यहाँ पे. अबे चुप रे, ये कितना भी हार्ड करवा ले. अरे भाई, यहाँ पे थोड़ा जोश में होश खो बैठ रहा हूँ. भाई बच गए, निकल ले, बच गया मैं, बच गया. अब लग रहा है ये रिडलर का रेस है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, अपन जीतने को आए हैं. थैंक्स टू आफ्टर बर्नर यार, उसने मेरे को बूस्ट दिया है बहुत सारा. भाई कितना खराब बनाया है इसने ये. भाग मेरे भाई, बच गए अपन यहाँ पे. Let's go. Easy. Easy, easy. End of you, Dark Knight, and I can't quite bring myself to stop the fun so soon. Okay, Catwoman पे switch हो जाते हैं. T का right side. Oh dear, Dark Knight. What a pity you couldn't bring the Batwing to this one. Okay, तो मैं समझ गया, वो जो तुम बीच में डॉट देख रहे हो उस पे हमें लैंड होना है, और उसके लिए अपने को बैटमोबाइल की मदद की ज़रूरत है, अपने को स्पीड की भी ज़रूरत है. तो लेट्स गो यार, इजी. भाई पहला वाला हो गया, ये बंदे ने शायद दूसरे साइड खोल दिया है. Good work, detective. You are
literally as capable as the digit-flapping mammal you pointlessly pretend to be. The next key awaits you. More comments. Great. I love this art. Okay, time to possibly need to die. तो और एक दरवाजा खुल गया, तो शायद बैटमैन को भी लेके आना पड़ेगा मुझे यहाँ पे। How are you doing? Can't fault the entertainment. Eddie just lectured me on the 13 innovations that let him pack this collar with his custom-designed plastic explosive. You must be honored. At being what? Your motivation? Come on, the next puzzle room's waiting. To its destination. I hope the varying amounts of pressure don't get to you. Another one? What's Eddie's problem? Fanatic narcissism, egocentrism, and megalomania, crossed with severe obsessive compulsion. Thanks. Don't mention it. और शायद मेरे हिसाब से मैंने सॉल्व कर दिया, बहुत ही इजी था, सिर्फ वेट के ऊपर ये पूरा मैकेनिज्म था। Congratulations to the dementedly dressed duo. Your key awaits. Oh, but what's this? An electrified floor? अरे बहुत इजी है, इसके ऊपर खड़े होने और सब बंद हो जाएगा अपने आप। Well, you better grab that key and be on your way. अरे यार, अपन सिर्फ रेड वाले को मार सकते हैं कैट वुमन की मदद से और ब्लू वाला बैटमैन मारेगा। You know what, detective? I'm glad you solved this riddle because it takes you one step closer to the riddle that kills you.